पारिक परिवार में होली का हल्ला है। देखिए तो जरा देव के साथ यहाँ कौन सा नया चेहरा दिख रहा है। हाँ हाँ, ये हमारी रश्मि देसाई ही है जो अभी एक महीने पहले ही बिग बॉस के घर से निकल कर आई है और अब सीधा पहुंच गई है इच्छाधारी नागिनों की दुनिया में, क्योंकि भाग्य ने अपना एक और नया खेल दिखाया है। देव का रिश्ता शलाका से जोड़ दिया है। जी हाँ, नागिन भाग्य का जहरीला खेल की कहानी अब एक साल आगे बढ़ गई है। लीप के बाद देव की बीवी बृंदा नहीं शलाका बन गई है, जिसके रोल में अब रश्मि देसाई नजर आएंगी। बृंदा से धोखा खाए देव ने शलाका को अपनी जिंदगी में तो जगह दे दी है, लेकिन दिल में आज भी बृंदा ही बसती है। यानी शलाका की जिंदगी में मुश्किलों की कोई कमी नहीं है। देव बाबू ने शादी शलाका के साथ की है और प्यार वो बृंदा से करते हैं। देव मेरी लाइफ में मचा रहा है, शादी मुझसे करके रोमांस कहीं और कर रहा है, तो उससे पहले पूछना पड़ेगा मुझे कि भाई क्या माजरा क्या है। माजरा देव को खुद नहीं समझ आ रहा है, आई थिंक उसका कुछ ये शादी का बोलते हैं ना ग्रहण लगा हुआ है, तो कोई भी चीजें संपन्न नहीं हो पा रही, तो देखते हैं ये वाली होती है कि नहीं। चलो ये संपन्न कर लेते हैं। अब जब देव की शादी शलाका से हो गई है तो बृंदा भी लौट आई है, वो भी पूरे तेवर में। देखिए तो आज नागिन कैसे फुंकार रही है, अपने दुश्मनों को आंखों से डरा रही है। होली के हुड़दंग में ये नागिन अपना अधूरा बदला पूरा करने आई है, अपने पति को सौतन शलाका से छीनने आई है। So I come with a bang and और मुझे अपना पति वापस चाहिए, like everybody else. भले ही देव ने मेरी माँ को मारा, चाहे वो मेरे प्लानिंग है, चाहे प्लॉटिंग है, but at the end of the day, जो भी मेरा whatever motives I've come back with, मुझे अपना पति वापस चाहिए, something like that. So मैं ऐसे पूरा डांस होता है, सब कुछ होता है, मैं सबके पास जाके you know. So I have actually enjoyed my own sequence. वैसे आज यहाँ सिर्फ रंगों की ही नहीं खून की होली भी खेली जाएगी, क्योंकि नागिन के मुँह अब खून लग चुका है। It's got death. मैं इसमें मार भी रही हूँ, इसमें रोमांस भी है पूरा देव के साथ, और क्या है रिवेंज भी है, मतलब तीन चार चीज़ें ना बैक टू बैक हो रही हैं इस होली में। तो पिछले छः दिन से, भले होली 10 की थी पर मैं 7 तारीख से मना रही हूँ, रोज़ आती हूँ, रोज़ कलर, रोज़ ये, रोज़ यही पहन के, सो 6 दिन से हमारी होली मन रही है। सो देयर इज सो मच दैट हैज हैपेंड और मज़ा आ रहा है। वैसे बृंदा के लिए ये बदला लेना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें कि शलाका भी एक इच्छाधारी नागिन है जो बेहद खास मकसद से पारिक परिवार में आई है, और उसकी हकीकत से बृंदा भी अनजान है। ओके, इसके बहुत सारी ऐसी कहानियां जुड़ी हुई है जो जिसके जवाब भी चाहती है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे मोटिव्स के साथ वो आई है। अब सोचिए, जब दो इच्छाधारी नागिनों कम सौतनों का मिलन होगा तो फिर ये रंगीन होली जहरीली होली में खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी ना, क्यों वृंदा? सही कहा ना हमने। आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन दैट द वे, यू नो, जब एक पति के लिए दो लेडीज की लड़ाई होती है, आई थिंक दैट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग। वो भी नागिन है। वो नागिन है क्या? मुझे नहीं पता। ओके, सो जब दो लोगों की लड़ाई होती है, तो दो लड़कियों की लड़ाई होती है एक पति के लिए, दैट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो ऐसे मैं तेरा खून पी जाऊंगी एंड ऑल ऑफ दैट। अब ये जंग नागमनी हासिल करने के साथ साथ देव को हासिल करने की भी हो गई है। अब देखना ये होगा कि इस जंग में जीत का ताज कौन सी नागिन के सिर पर सजेगा। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।